स्टूडियो को कुछ स्टूडियो जैसा ही नाम होना चाहिए। इस स्टूडियो में कुछ ऐसा क्या खास होगा कि जो लोग यहाँ आएंगे शूट करने के लिए? यह हमारा स्टूडियो चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये तो मजाक था। यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि मुंबई से बहुत पास में है, आपको ट्रैवल के लिए बचता है, और हमने सारी दो दो हमारी यूनिट यहाँ पे रुक सकती है, सबके रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, आउटडोर बहुत ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं, फिर उस वो सब सीन शूट करने के लिए उनको मुंबई में वापस शूट करना पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन हुआ या ऐसा कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं मिलता है आउटडोर लोकेशंस पे। तो हमने वो सारी चीज़ें अपने स्टूडियो में बना के रखी है, और हमारे स्टूडियो के और पास में भी जो लोकेशंस हैं, बीच हुआ, पोर्ट हुआ, रोड वगैरह हुए, गार्डन्स हुए, रिजॉर्ट्स हुए, वो सब तीन तीन चार चार पाँच पाँच किलोमीटर की दूरी पे है जिनसे हमारा टाई अप है, तो वो भी ट्रैवल का बच जाता है। लोग हिल गाने वगैरह के शूट के लिए हिल स्टेशन ऐसा ढूंढते हैं, तो वो भी हमारे स्टूडियो से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो ट्रैवल बचता है। और जब कोई आउटडोर के लिए निकलता है तो वो लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा बचत हो सके और अच्छा अच्छा मिले, अच्छी लोकेशंस मिले, तो इसलिए बेस्ट है हमारा स्टूडियो। अभी हमने सबसे क्वेश्चन पूछा इस वीडियो के लिए, और भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, दो फिल्में हो चुकी हैं। जी जी जी। तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा, सभी स्टार्स ने, कि भोजपुरी फिल्म को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। लेकिन अगर अदर फिल्म्स के लोग डायरेक्टर आए, जैसे हिंदी फिल्म से साउथ के लोग जुड़े आप, हमारे लिए सब हमारे लिए एक समान है, और नो डाउट हम भोजपुरी हैं। और भोजपुरी फिल्मों की, जैसे बोला कि भोजपुरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली दिया जाएगा, लेकिन हमारे स्टूडियो में सभी का वेलकम है, क्योंकि हमने स्टूडियो सभी के लिए बनाया है। इस स्टूडियो से भोजपुरी को और ज़्यादा आपकी तरफ से ऐसा क्या मिल सकता है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है उससे आगे जाने का उसको मौका मिले? उसको ही जहन में रखते हुए अभी तक जो हमारे सेटअप बने हुए हैं, जो चीज़ें आपने देखी होंगी स्टूडियो में, अभी आप देखेंगे, तो हमने सबसे पहले जहन में अगर हमारा स्टूडियो बनाने का आया है तो हमारी फिल्मों में क्या लगता है, भोजपुरी फिल्मों में कैसे लोकेशंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हमने वो पहले डेवलप किया, हमने वो चीज़ें पहले बनाई कि एक बार आदमी यहाँ आए शूट करने के लिए तो ज़्यादातर चीज़ें वो यही शूट कर ले, उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और रही साउथ की और हिंदी मूवीज़ की बात, तो उन लोग को जैसा अपना लोकेशन चाहिए होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट पे हम उनको वैसा लोकेशन बना के देंगे। जैसे कि भोजपुरी स्टार आपसे जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी भोजपुरी में काम भी वर्क भी करती हैं, तो उनको तो आप मना सकती हैं, लेकिन स्टार्स के लिए क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? हमें किसी को सॉरी टू से बट मनाना नहीं है, हमारे पास जो है जितना है हमने बताया है, आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, आपको उसमें जमता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और हाँ, अगर आपने हमें पहले से इन्फॉर्म किया कि हमारी ये और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको और ऐड करके दे सकें। ऑन स्पॉट तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, आपकी प्लानिंग है, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए तो डेफिनेटली हमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम वो भी आपको करके देंगे। आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी आने वाला है? यहाँ पे दीपक जी का, डैडी जी का है शायद, अभी हीरो गमछा वाले का कुछ शूट बाकी है, और यहाँ पे आत्मा की शूटिंग होने वाली है, और एक दो और हैं जो लाइनअप हुए हैं जिनकी बुकिंग का कन्फर्म हुआ है, और राजकुमार जी ने ओपनिंग कर दी है यहाँ पे, लागी तो से लगन का भी शूट हो चुका है, और एल्बम भी शूट हुई है, तो बस आज से शुरुआत है। आपका कोई प्रोजेक्ट है लाइनअप? अभी फ़िलहाल तो मैं रिलीजिंग के लिए है, बट अभी इस फ्लोर पे मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, गैप लिया है मैंने। और रिलीजिंग में मेरी है हीरो गमछा वाला, हम कल शक हुआ है यारो बहुरानी। गमछा वाला में आपका क्या किरदार है, क्या स्टोरी है? गमछा वाले में अब तक का बेस्ट किरदार मिला है जिसमें मेरे डायलॉग ही नहीं है, मैं पागल का रोल कर रही हूँ। कुछ चैलेंजिंग मिला है, कुछ डिफरेंट मिला है, और लोग अब तक जिन्होंने देखा है, जितने भी रैशेस देखे हैं, लोगों ने तारीफ़ की है, बस मेरी ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। स्टोरी क्या मैडम की? स्टोरी अगर हम अभी आपको बता देंगे तो फिर हमारी ऑडियंस थिएटर में नहीं जाएगी। स्टूडियो के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से और अपने लिए दर्शकों से क्या कहना? मैं अपनी इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं ये कहना चाहूँगी, आपका अपना स्टूडियो है, जैसा चाहिए वैसा यूज़ करिए, आइए शूट करिए, और जितना हो सके
आइए और आते रहिए हमेशा। अपने लिए दर्शकों से क्या कहना? अंजना यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक आपने अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा है, वैसे हमेशा बनाए रखिएगा और नई नई फिल्में लेके, नई नई चीज़ें लेके आपके सामने हम ऐसे ही आते रहेंगे। सर ना तो गुजराती में बोलिए ना हिंदी में बोलिए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। आज मुहूर्त हुआ है एक स्टूडियो का जो लॉन्च हो रहा है, बहुत बड़ा स्टूडियो है जहाँ तक हमने सबसे सुना और के लिए ये किस तरह का सुनहरा मौका है। सबसे पहले तो मैं ये चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एम छो मजामा, क्योंकि मैं इसे गुजरात में हूँ और ये जो बोली है बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। मेरा परिवार गुजरात से जुड़ा रहा है, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह यहाँ से, और चूँकि मौका है यहाँ शूटिंग करने का, मेरी फिल्म दुलारा बन रही है जो बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत एक्साइटमेंट वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए ख़ास तौर पर है। बहुत सारे कलाकार इसमें काम कर रहे हैं और चूँकि बहुत प्लान तो नहीं था कि जिस टाइम मैं शूटिंग करूँ उस टाइम यहाँ पर पूजा और इस तरह का हवन ये सब होने वाला है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये ऐसा प्लानिंग हो गया और एक ब्लेसिंग जिसको कहते हैं भगवान की कृपा है कि वो मेरी फिल्म की उसी टाइम शूटिंग है और उसी टाइम यहाँ पर इतना बड़ा हॉल मिल गया है। तो भगवान चाहेंगे तो ये फिल्म भी उतनी बड़ी एक रूपरेखा लेकर और दर्शकों को बहुत उसमें आपका क्या किरदार होगा और क्या स्टोरी है फिल्म की? मैं तो फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम राजकुमार आर पांडे हुआ और मैंने गुजरात में तकरीबन कुछ 18-19 फिल्में बनाई है, भरूच, राजपिपला और अलग अलग लोकेशनों पर, जो फिल्में बहुत बड़ी हिट रही हैं, सास सहेलियाँ, देवराबड़ा सतावेला, दीवाना, नागिन, ये सब फिल्मों ने भोजपुरी में माइलस्टोन इनका नाम रहा है, हर दर्शक इन फिल्मों के नाम से जानता। तो दुलारा भी उसी कड़ी उसी श्रेणी में मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ और आई होप कि वो प्यार दुलार जो मुझे पहले मिला है गुजरात की धरती से, जो मुझे ब्लेसिंग मिली है, वो इस फिल्म को भी मिलेगी। और सर क्या क्या स्टार कास्ट है फिल्म के अंदर? इसमें प्रदीप पांडे चिंटू हैं जो मेन लीड हीरो हैं, तनुश्री हीरोइन है और रितु सिंह, मोहिनी घोष, उसके अलावा अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, मनोज टाइगर, जस्सी सिंह, अंजनी मिश्रा, ये सारे कलाकार हैं जो फिल्म के सहायक हैं, सह कलाकार हैं और तमाम लोग हैं। रानी चटर्जी का स्पेशल सॉन्ग फिल्म के अंदर। स्टूडियो के बारे में पूछे तो इसके अंदर आप वृंदावन वाटिका, तो कृष्ण जी की एक ऐसी नगरी का नाम उन्होंने चुना है और ख़ास तौर से गुजरात के लोग, गुजरात की धरती के लोग जो कृष्ण जी से बहुत अटैच होते हैं, वो एक आइडियल के रूप में उनके लिए होते हैं, तो वो नाम उनके ऊपर है, बहुत पवित्र धाम के नाम से। तो स्टूडियो अच्छा चले और मैं तो चूँकि शूटिंग के लिए यहाँ आया ही और इस ब्लेसिंग के साथ कि ये जिस तरह फिल्म अपना नाम रोशन करे उस तरह स्टूडियो, ताकि इसमें बहुत सारी फिल्में बनती रहें और जब फिल्में बनेंगी यहाँ लोग आएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा यहाँ का, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो गांव हैं, उनकी दुकानें, उनके शॉप, वहाँ से सामान चीज़ें आएंगी, तो एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री का है वो यहाँ गुजरात में लगता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक सक्रिय काम है जो दीपक जी ने किया है और उनकी टीम ने किया है, तो मैं यही ब्लेसिंग दूंगा, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये चले और यहाँ के लोगों का जिस तरह कॉपरेशन रहा है वो आगे ले। गुजरात वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस फॉर शूट और यहाँ के लोग इतने कॉपरेटिव हैं, यहाँ तो फिल्म करने में उतना ही नशा है जितना यहाँ पर आने में, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ काम बहुत होना चाहिए।